कृषकों को परंपरागत रूप से किए जा रहे कृषि कार्य में परिवर्तन कर समन्वित कृषि पद्धति अपनाने की महती आवश्यकता है। कृषक भाई अत्यधिक उत्पाद प्राप्त करने के उद्देश्य से केवल एक फसल की ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता कि अगर फसल किसी कारणवश नहीं हो पाई तो स्थिति क्या होगी। अवर्षा, बाढ़, कीट और रोग आदि से फसल के नुकसान होने का डर हमेशा ही किसानों में बना रहता है। बावजूद इसके वे इन समस्याओं के निराकरण का उपाय नहीं अपनाते। कारण है जानकारी का अभाव होना। कृषि अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये स्पष्ट हो गया है, कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण जीवन सुरक्षा और समृद्ध परिस्थिति को बनाए रखने के लिए समन्वित कृषि पद्धति अपनाना लाभदायक होगा, जिसमें कृषक केवल एक फसल की खेती न करके भूमि, श्रम, सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक का उचित उपयोग करते हुए दो या तीन फसलों की एक साथ खेती करता है, जिससे यदि कोई फसल को नुकसान हो तो दूसरे से उसकी भरपाई की जा सके। धान या अन्य फसल के साथ फल और सब्जियों की खेती करना, सब्जियों की खेती के साथ जैविक खाद का निर्माण करना, पशुपालन सह मत्स्य पालन करना, धान सह फल उत्पादन करना, खेत की मेड़ों का उपयोग करते हुए अनाज के साथ दलहन या तिलहन का उत्पादन करना, मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय और एकीकृत वर्षा जल का उपयुक्त सिंचाई पद्धति द्वारा उपयोग करना। पाली साहब, मैं कुआं बनवा दिए, कुआं से हम लोग साग सब्जी लगा रहे हैं, कुमड़ा लगाए हैं, लाल भाजी, पालक भाजी, धनिया, मिर्ची लगा रहे हैं, इसमें 1 से 2 लाख रुपया तक कमा रहे हैं। एक एक मधुमक्खी, लाख और मशरूम उत्पादन करना और परंपरागत स्रोतों द्वारा सिंचाई व्यवस्था करना, काजू, आम, इमली और महुआ का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करना आदि शामिल है। समन्वित कृषि प्रणाली खेती के साथ साथ पशुपालन, सूकर, बकरी, मछली पालन, कृषि वानिकी का उपयोग, लाख उत्पादन, आय के ऐसे संसाधनों को अपनाना जिससे साल भर आमदनी मिलती रहे। वैज्ञानिक रूप से विकास के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में फसलों का चयन, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक उर्वरक का निर्माण और सिंचाई व्यवस्था करने के साथ कम लागत में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करना ही समन्वित कृषि पद्धति है। इस लाभान्वित कृषि पद्धति का सफल प्रयोग कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसके लिए किसान भाइयों और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 7000 हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में स्थित 7 ग्राम समूहों के अंतर्गत 19 ग्रामों को सम्मिलित किया गया और लगभग 2700 कृषक परिवारों के जीविकोपार्जन के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया। लगातार कम होती प्राकृतिक संसाधनों, अधिक वर्षा के कारण भूमि क्षरण और इसकी दुर्दशा, मध्यस्थों द्वारा शोषण इन ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। इन क्षेत्रों में उन्नत फसल उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन सामान्य हस्तक्षेप से किसानों को बड़ा लाभांश प्राप्त हो सकता है। इन क्षेत्रों में सिंचाई के अभाव में एक फसल होना और सूखे की स्थिति रहती थी, इसलिए इन चयनित क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा वर्षा जल संरक्षण और भूमि की नमी के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। इसके लिए कुल 316 जल संग्रहण संरचनाएं निर्मित की गई। इन्हें राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत पंप भी उपलब्ध कराए गए। अधिक प्रभाव के लिए सामुदायिक सिंचाई और सामुदायिक खेती की विधि को उपयोग में लाया गया। भू परिष्करण और धान के बाद दूसरी फसल रिले क्रॉपिंग के रूप में लिए जाने के लिए मृदा नमी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। 2210 हेक्टेयर क्षेत्र में 3000 ग्रामीण परिवारों को प्रमुख खाद्यान्न फसलों, दलहन, तिलहन,
और सब्जियों की खेती की संपूर्ण तकनीक प्रदान की गई। अब उन्नत तकनीक से कृषि कर उत्पादकता पूर्व की तुलना में 45 से 90 प्रतिशत तक बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप किसानों की आय 5,650 रुपए से बढ़कर 16,548 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार हो गई है। किसानों की आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की तकनीक किसानों को उपलब्ध कराई गई। इसके लिए 350 किसानों के स्वसहायता समूह के लिए इमली कैंडी तैयार करने के लिए 20 किसानों के 2 स्वसहायता समूह को काजू प्रसंस्करण हेतु, 348 किसानों के 35 स्वसहायता समूह को मशरूम उत्पादन के लिए, 122 किसानों के 12 समूहों को मछली पालन के लिए, 240 किसानों के 24 समूहों को केचुआ खाद उत्पादन के लिए, 20 किसानों के 2 समूहों को आम में मूल्य संवर्धन के लिए और 296 किसानों को लाख उत्पादन बाबत प्रशिक्षित कर कार्य प्रारंभ किया गया। क्षमता और कौशल विकास द्वारा 142 स्वसहायता समूहों के 4,717 किसानों के सशक्तिकरण के लिए 147 प्रशिक्षण और ज्ञान वृद्धि के लिए विकसित क्षेत्रों का 12 भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्तर के गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की व्यय क्षमता मात्र 38,000 ही है, जो अत्यंत ही कम है। चयनित समूह के गांव में लघु एवं सीमांत भूमिहीन कृषक परिवारों को बतख, मुर्गी, सुअर और बकरी वितरित किए गए। उन्नत नस्ल के पशुओं से कृषक परिवारों की औसतन आय रुपए 1367 से बढ़कर 4374 रुपए प्रति वर्ष हो गई है। उनमें से बकरी पालन सर्वाधिक आय देने वाली तकनीक रही। अगर साहब लोग बताते आ रहे हैं कि बकरी पालन करने से कितना आमदनी होता है, बोल तो पता है, तो साहब लोगों के अनुसार हम बकरी पालन भी शुरू किए। जब पहले दो बकरी होते होते पांच से दस होते जा रहे हैं। ऐसे जो बकरा है तो उसको बेच देते हैं, जो बकरी है उसको फिर रख लेते हैं। इससे क्या है कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा आमदनी भी आता जाता है और आगे बढ़ भी रहे हैं। इसके पश्चात मुर्गी पालन और बतख पालन का स्थान रहा। सूखा उन्मूलन और फसल विविधीकरण के लिए वर्षा जल संरक्षण किसानों के बीच सर्वाधिक उच्च वेतन देने वाले माध्यमों में से एक है, जिससे फसल सघनता में 105% से 138.57% की वृद्धि हुई है और वर्षा जल का उपयोग उचित मूल्य की फसलों जैसे सब्जियों की खेती के लिए गुरुत्वाकर्षण आधारित टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से किया गया, जिसमें फसल विविधीकरण का रकबा 3.5% से बढ़कर 43.52% तक हो गया और ग्रामीण परिवारों की आय 5,000 से बढ़कर 28,000 प्रति परिवार प्रति वर्ष हो गई। बाड़ी में जैविक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक सब्जियों की खेती के अच्छे स्रोतों में से एक है। और ये केचुआ खाद का टंकी बनाया हूँ, इसमें केचुआ खाद होता है और मेरे साथ साथ 10 से 15 किसान बनाए हैं। और ये राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के अंतर्गत ये बना है। इसी प्रकार मशरूम की खेती से किसान 15,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कमा रहे हैं। रवि में संकर मक्का की खेती में उत्पादकता 25 से 30 क्विंटल से बढ़कर 41 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और उन्नत तकनीकी के उपयोग के फलस्वरूप विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, रागी, उड़द, तिल, गेहूं, चना और अलसी में उपज बढ़ी है। वर्तमान में कतार बोने के अंतर्गत क्षेत्रफल 0% से बढ़कर
4000 हेक्टेयर हो गया है। समन्वित धान सह मछली उत्पादन तकनीक परियोजना से जुड़े समूहों ने 11.3 हेक्टेयर में 22,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार आमदनी की है, जबकि धान की फसल में मात्र 10,000 की आय 16,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार होती थी। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त उन्नत तकनीक से कृषि कर न केवल उत्पादकता बढ़ी है बल्कि हानि का भय भी कम हुआ है। रोजगार के साधनों में वृद्धि के साथ आय और उत्पादकता भी बढ़ी है। ग्रामीणों के भोजन और पोषण में सुधार के साथ पशु चारे की उपलब्धता भी बढ़ गई है। समन्वित कृषि पद्धति से सिंचाई सुविधाओं में विकास हुआ है और कृषकों और श्रमिकों का गांव से पलायन भी कम हुआ है। आशा है इससे प्रेरणा पाकर अन्य जिलों और अन्य गांवों के कृषक भी इस पद्धति को अपनाकर लाभान्वित होंगे।